या हम किसी गुरुजी के पास हमारे पत्रिका आदि के लेकर पहुंच गए तो वो गुरुजी हमारा दुख मिटा देगा, हम किसी गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी हमारा कष्ट मिटा देगा। कष्ट गुरु नहीं मिटाता, कष्ट मिटाने वाला आपका कर्म होता है। आप जब एक लोटा लेकर मंदिर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप दिल से जब एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाते हो, आप जब दिल से भगवान शंकर को रिझाते हो, तो तुम्हारा किया गया कर्म धीरे धीरे तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाता है और परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। किसकी सामर्थ्यता है जो आपके दुख को मिटा दे? रामकृष्ण परमहंस जी को, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु को बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, कैंसर जैसा रोग हो गया था, कैंसर जैसा रोग। नरेंद्र ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी बोले, हे गुरुदेव, आपको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, इतना बड़ा रोग हो गया है, माँ शारदा माँ दुर्गा आपके कहने पर आपसे बात करने के लिए आती है, तो गुरुदेव आप माँ शारदा से क्यों नहीं कहते कि मेरा ये रोग समाप्त कर दे? जब इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई है तो माँ शारदा से क्यों नहीं कहते? भारत की भूमि के ऐसे संत रामकृष्ण परमहंस जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत चैतन्य महाप्रभु जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्रीमद् वल्लभाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रामानुजाचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री निम्बार्काचार्य जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत संत तुकाराम जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री रविदास जी थे, भारत की भूमि के ऐसे संत श्री कबीरदास जी थे, जिनके सामने परमात्मा आकर खड़ा हो जाता था और कभी उन्होंने इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी भगवान से बात होती है और भगवान मेरा कहना मानते। आज के जमाने में अगर भगवान सपने में भी दिख जाए ना, तो लोग माइकों पर डोंडी पीट पीट के कहते हैं, कल रात्रि को मुझे वो दिखे थे और उन्होंने ऐसा कहा था। आज के समय में अगर जरा सा भी भगवान का दीदार हो जाए तो लोग डोंडी पीट कर कहते हैं कि मुझे सपने में। और आप लोग खुद अपना व्हाट्सएप चलाते हो, कई बार व्हाट्सएप पे आपने एक पत्र पढ़ा होगा कि वहाँ के महाराज को सपने में दो सांप दिखे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, फिर कहा कि ये मैसेज को 5 जनी को भेज, नहीं तो तेरा बुरा कर दूंगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है? सपने में उनको दिखा और उन्होंने डोंडी पीटना चालू करा कि ये 5 लोगों को भेज, नहीं तो तेरा बुरा करना प्रारंभ कर दूंगा। अब भगवान ने सपने में ये भी बोला था कि जो मैसेज नहीं पड़ेगा या नहीं भेजेगा तो उसका बुरा हो जाएगा। ये हम भ्रम में जी रहे हैं, एक आडंबर हमारे साथ में लगा दिया गया है, एक हमारे साथ में एक नाटक लगा दिया गया है कि तुम्हें कैसे डराया जाए। आज तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला,
कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी कि मुझे बहुत सुंदर रथम बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया, ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है, और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भर पेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो, यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। नया केलॉग्स चोकोस मम्मा प्लीज। ओके, फिर कुछ मल्टीग्रेन भी खाना पड़ेगा, डील? ओके डील। ये मोर चॉकलेटी, अब दे दो आपका मल्टीग्रेन। यही तो है मल्टीग्रेन चोकोस। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोस। Let them keep trying. And you? Paytm karo. और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में चार लोग रह रहे हैं, जिस घर में आठ लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में गिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा,
गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा, गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो, विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया, दुख के समय में तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कलीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाए, उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया, गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ा, भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है, आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो, आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए, स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरु जी बोलेंगे मां से, मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा हे बाबू, रामा रामकृष्ण, हे बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था, स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी, आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के, और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है, बाबू तेरी आंख में जले, रामा ए रामकृष्ण, ए बाबू तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे, आज तू रो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है, शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर माँ वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है, पर माँ मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर बहुत मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना, मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे,
और मेरी बीमारी का भी मुझे भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा कि मेरी बेटी, ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया, पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कि आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। बेटी का जीवन, लड़की का जीवन, मेरी बेटी के आंख के नीचे सफेद लाइन हो गई। सफेद लाइन जब आंख के नीचे लगी तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा, बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा, मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती है और बेलपत्र लेने यहाँ आ सकती है। हाँ जी, दिख गया, बेटी आई है क्या साथ में? आई है, ले आओ इसको, बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाओ। मैं अर्चना बेलवंशी, पति सुरेश बेलवंशी, परासिया, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी अंशिका बेलवंशी, उम्र 5 वर्ष है, उसकी आँख के नीचे सफ़ेद दाग हो गया और उसके चेहरे पर पूरा दाग फैलता चले गया और पूरा चेहरा उसका धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। 2023 में हमने डॉक्टर को दिखाया, जितना जितना उसको दिखाते गए वैसे वैसे उसके शरीर पर वो बीमारी फैलती चली गई। अब बेटी का जीवन है गुरुजी, कैसे इस बीमारी को देख लें? तब मेरे मम्मी पापा ममता रकोशिया, पिताश्री अमित लाल रकोशिया जी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। आपको आज तक मैंने टीवी पर कथा नहीं सुनी थी, आज तक आपको देखा नहीं था, आज तक आपसे बात नहीं हुई, पहली बार कथा मैंने टीवी पर देखी और आपने कहा कि पूर्णिमा की रात्रि को गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, उसको चम्मच में निकाल लो और उस फेन को शरीर पर लगाकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखिए और रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर उसको पिलाइए। हमने बेटी को शंकर जी के मंदिर भेजना चालू कर दिया। मेरी बेटी देखकर रोती थी कि मेरा चेहरा कैसा हो गया, मेरा शरीर कैसा हो गया। तब हमने अपनी बेटी से कहा, उस पर भरोसा रख, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती रहे, मंदिर की सफाई करती रहे। और बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा तो शंकर हैं और मैं क्या कहूं, आपकी वाणी में केवल शिवपुराण नहीं है, शंकर खुद वाणी से ऐसा लगता है कि बोलता है। बाबा आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसका चेहरा वापस वैसा की वैसा हो गया और उसका रोग समाप्त हो गया, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंकर उघड़ी की प्राप्ति। हम जब शिव को अपना मान लेते हैं और शंकर को अपना जान लेते हैं, हम जब शिव को अपना मान लिया, शंकर को जब हमने अपना जान लिया, वो एक एक लाइन आप और हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं,
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, एक भरोसा, यही बेटी है जिसका पूरा चेहरा शरीर धीरे धीरे सफेद हो गया था, चर्म रोग हो गया था, पर आज बाबा ने एक विश्वास के साथ उस बेटी का पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। ये शिव तत्व है। हम परमात्मा से जोड़े, एक रिश्ता हम भगवान से जोड़े, हमें इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना है। न्यू केलॉग्स चोकोस, मम्मा प्लीज। ओके, बट लेटर यू हैव टू ईट सम मल्टीग्रेन, डील? ओके डील। More chocolatey. Now give me your multigrain. Chocos is multigrain. Chocos? With high protein, high fiber and no maida, all new Kellogg's multigrain chocos. याद करो जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो समय, 14 वर्ष की आयु में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब पूरे विश्व में शिव का डंका बजा रहे थे, पूरे विश्व में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब शंकर की पूजन का, शिव की स्तुति का, शंकर की आराधना का डंका बजा रहे थे, तब कई लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण को पकड़ रहे थे, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मुझे क्यों पकड़ते हो, मैं तो आज शरीर है कल नहीं। 14 वर्ष के जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को, मुझे नहीं पकड़ना शंकर, पकड़ना है शिव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा, हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना, जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। माँ शारदा कर रही है, माँ जगजननी दुर्गा भवानी कर रही है, माँ आदिशक्ति कर रही है, रामा तेरी आंख में चले। ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? राम कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां बस एक आस ले लिए बैठा हूं, एक आस, क्या आस है तेरी बोल। राम कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारे भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए, तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं मैं, तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ, नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। सर वी हैव अ सिचुएशन, देयर कुड बी अ लीक। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के, देखिए कितनी होती है, दो, एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघरदानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठ कर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये दो पतवार है, और ये दो पतवार नाव में रगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की दो पतवार पकड़ाई जाती है, अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये दो पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं, अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती मिक्सचर खिचड़ी रोटी सब्जी सब मिल रहा होगा, तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों हुआ क्या, नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती, अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो कि खाने को तो रोटी भी थी खिचड़ी भी थी, दो चीज थी, अगर ज्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो, पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी, अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी नुक्ती थी वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ती पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब वो मैं तो कह गई, अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ मेरे ओघरदानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, दो पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है, एक पहले चलती फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती फिर दूसरी चलती, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, सुख आएगा दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे, बस तुम्हारी मैया पार।
भटकना नहीं है। भटकना नहीं। अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है, तो परमात्मा का रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तू बोल तुझे क्या चाहिए। रामा बोल दे, रामा हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। माँ कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। माँ पूछ रही है कौन सी इच्छा। तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो माँ, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया वो जाना है। ऐसा संसार में कोई जन्म मरण और परण तीन मेरे बाबा के हाथ में। जन्म डॉक्टर ने कह दिया 8 तारीख की डिलीवरी का टाइम है, मालूम पड़े 15 दिन पहले हो गई या 10 दिन और निकाल ली। जन्म मरण मृत्यु, किसी ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़ा टेका या निपट गए। डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांस चल रही है घर ले जाओ, मालूम पड़े 1 साल तक पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिए, मरे ही नहीं। 4 बार गीता जी सुना दी, 3 बार गोबर लिप के नीचे सुला दिया, मालूम पड़े फिर सांस चल गई, फिर उठा के पलंग पे लेटा दिया, निपटी नहीं, मरे ही नहीं। जन्म मरण परण विवाह शादी, तुम सोच कर बैठी थी मैं लड़के की शादी करूंगी ऐसी बहू लेके आऊंगी, लड़की की शादी करूंगी ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी। अब हम क्या बोलें तुमको, तुम सब अच्छे से जान रही होगी तुम्हारे घर में कैसी आई है और कैसे दामाद और कैसे सब मिले हैं, ये तुम सब जानते। कितना कितना सोचा था, कितना कितना विचार कर रहा था, कितना कितना मन में सोच कर बैठे थे। पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव, जन्म मरण और परण तीन मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी ये पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा, सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर देखो, बाबा विवाह भी। एक पत्र, सुमित बालाजी कांवले लातूर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा आया है, जिसकी नौकरी लगी वो नहीं आया, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आइए। We'll be right back.
अंदर चले जाना। आइए, हम लातूर से आए हैं, आपको कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, बच्चा भगवान पर भरोसा नहीं करता था, किसी बाबा पर भरोसा नहीं करता था मेरा बच्चा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव मंदिर जाना चालू कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या शिव जी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? तो मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है, इतनी मेहनत करो। और शंकर को फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को विनय कर कर जा, जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, एग्जाम देने गया मेहनत कर कर, अच्छा लगन लगाकर और बेलपत्री पर शहद चढ़ाकर आज मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। ये शिव तत्व एक एक भीतर से एक विश्वास की जागरूकता होना चाहिए, अपने भीतर एक विश्वास की जागरूकता उत्पन्न। कहते हैं ना, थोड़ी मेहनत हाथ की, जम के बोलो आप भी हमारे साथ, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा कुबेरेश्वर नाथ की, बाकी की कृपा बहुत है। बधाई आपको। थोड़ी मेहनत जम के बोलो जरा हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो, मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की, बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। उसकी कृपा माँ इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा है। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरु जी के चरण पकड़ कर कहा, आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए, सच्चा संत जो होता है ना उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। राम कृष्ण परमहंस जी माँ दुर्गा से, आद्य शक्ति माँ काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी राम कृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर, मां स्वयं कह रही है शारदा भवानी कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है, मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज आज
रामकृष्ण परमहंस जी आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े मुस्कुरा रहे। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराकर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं, पर नरेंद्र मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए, ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए, ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री संतरी कलंत्री, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े अहुदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी अहुदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में फूल ना मती और दुख में शंकर को कभी भूल ना मती, बस इतना याद रख। सुख में फूलना नहीं और दुखाए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं, कितना भी दुखाए मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको, एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबूल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कर देना, बाबुल आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, उससे कह दो जाकर, उससे और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे विनय करोगे निवेदन करोगे तो जिंदगी का एक सुख अपने आप रखोगे। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। Thinks it is out. Umpire signals to the TV umpire. Yeah, this one is definitely mine, 100%. Aao, jaldi bol. I'm not sure about the TV umpires, but I know what my decision is, and it is not out. Bro, he's the bowler of the season, yeah.
Okay, kindly add 2 zeros to my last bet. Because this one is coming home, baby. You sure? And the ball clearly missed the wicket, bud. I need to win it. Let's do this, son. Missing, not out. I told you so. मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया क्या मांग उससे बस कह सकते जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है जब से मेरे सर पे तेरा ठोकरों में मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया मुझको तूने ना कहीं झुकने दिया मुझको तुमने शिव ओ घड़ी है उसके चरणारविंद का रज उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखी है शिव को पाने आपने कई बार देखा होगा हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है हम तुम्हारे चरण पड़े पर निवेदन है कि मेरी जीजियाँ कभी हमारे चरण ना पड़े जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती है और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं अपने सास ससुर के चरण पकड़ो अपने पति के चरण पकड़ो अपने माता पिता के चरण पकड़ो और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो इसके सिवा किसी के मत चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो अहंकार क्रोध आसक्ति लोभ वासना तृष्णा सब भरी हुई है और उसके हम चरण छुए थे कहां चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं जिसका आचरण ही ठीक नहीं कहीं अहम कहीं क्रोध कहीं आसक्ति कहीं वासना कहीं तृष्णा कहीं लोभ सब भरा पड़ा हुआ है और उसमें चरण पकड़े जाए तो वो श्रेष्ठता नहीं आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले झाड़ू लगाने वाले जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें जिनको लोग कह दें कि ये तो ऐसे ये तो वैसे उन 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 व्यक्तियों ने जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी
गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं उनके क्या चरण छुए। अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया। आइए मामा जी, जॉइन अस। रिश्तों में ना कोई है राइट, ड्यूटी को सही मायने में निभाया। साधुता इनको दीजिए, जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है चरण ना छुए, जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे। तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपने बाप की वाणी बोल रहा है, एक तो तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर ही तो जाऊंगा, उनकी तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि पापा दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए था। अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना उसमें, रखने से क्या होता है। इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच। और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटकारे, बार बार झटकारे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को, पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो वो हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम्हारे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीता, एक चीटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे?
आंधियों में भी बाबा ये आंधियों में भी हम भी मिट जाएं बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया ये तेरी कृपा है ये तेरी करुणा है ये तेरी दया एक बहन पत्र लिख रही है डमरू भी भेजा हो मेरा नाम सरिता पाथम है मैं इंदौर से आई हूँ मेरा मोबाइल नंबर ये है कहीं बैठी हैं सरिता जी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा मेरा नाम सरिता बाथम है मैं इंदौर से आई हूँ मेरा मोबाइल नंबर यह है दोनों हाथ हिलाओ हाँ दिख गए ठीक है ऐसा हाथ हिला दो एक बार आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना चाहिए बहुत अच्छी बात लिखी है पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी गुरुजी आपको आपकी बहन का प्रणाम और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी पक्षियों को दाना देना पौधे लगाना बस ये काम करती रहती हूं 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना भोजन पौधा लगाना पक्षियों की सेवा करना ये करती रहती पर मन में एक ही कमी थी वो किसको कहूँ गुरुदेव मेरा मकान नहीं था अब मैं कहूँ तो किससे कहूँ तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है जल चढ़ाना है सेवा करना है और बाबा की कृपा से वो इस सेवा में लग गई और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर अब एक ही आस लगा कर बैठी हूँ आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूँ बस ऐसी कृपा हो हम तो हमारी बहन से कहेंगे जी कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे उसमें क्या चिंता का विषय कथा कराने वाला मेरा शिव लाइन अच्छी लिखी है आप और हम सब गुनगुनाते हैं तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार बता रही हैं मेरी पोती बोलती नहीं थी अब बाबा की कृपा से उसकी वाणी भी चालू हो गई और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बोलना प्रारंभ शिव तत्व को पहचान शंकर ओघड़ी को पहचान एक विश्वास के साथ जब हम शिव को पहचानेंगे एक विश्वास के साथ जब हम शंकर को जानेंगे हमारे दुख मिटाने के लिए हमें किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा हमारे दुख मिटाने के लिए हमारा महादेव
त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी डमरूधारी नंदी की सवारी और गौरा महारानी को लेकर हमारे दरवाजे तक आ जाए। आए महाराज, जब वो कहते हैं उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम, सारी दुनिया से उम्मीद खत्म हो जाए, आस खत्म हो जाए, जब हर जगह से विश्वास खत्म हो जाए, तब उम्मीद का दूसरा नाम है, जम के बोलो जरा, उम्मीद का दूसरा नाम है कुबेरेश्वर धाम। यह उम्मीद का दूसरा नाम है कि उसकी भूमि पर पहुंच जाना, उसके दरवाजे पर पहुंच जाना। और मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, शंभो।
के मारे स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवदीन महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करें। विचार करिए जरा, कंकर शंकर की पवित्र भूमि और शिव महापुराण की कथा, और वो भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का एक पवित्र भव्य आयोजन, जिसमें आप और हम बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कर रहे हैं दिल से। श्री शिवा नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो माला, ओ भोला सब दुख काटो माला। वेश मंगल मंगल है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो।
शिव को चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। आप दिल से जैसा पुकारते हैं वैसा बाबा सुनता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने